हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे, ऐसे केमिकल स्टॉक से रिलेटेड ऐसे स्मॉल कैप केमिकल स्टॉक से रिलेटेड जो कि आपके पैसे को दुगना और शायद तिगना भी कर दे आने वाले टाइम में तो जानते हैं देखिए हमारी नजर हमेशा ऐसे शेयरों पर रहती है जो कम प्राइस पे प्राइस पे तो नहीं मैटर करता बट एटलीस्ट ऐसे लेवल पर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपके पैसों को बेहतरीन बना दे और फंडामेंटली स्ट्रॉग शेयर हो फिर मैटर नहीं करता आप स्मॉल कैप में है मिड कैप में लार्ज कैप में बस उसमें गिरावट और रिस्क कैपेसिटी वाली बात होती है बाकी अगर जब भागते हैं तो मिड कैप रिटर्न स्मॉल कैप ज्यादा रिटर्न देते हैं फिर मिड कैप देते हैं फिर लार्ज कैप देते हैं तो वो चीज़ समझनी होगी आप लोगों को तो ये मैटर नहीं करता स्मॉल कैप मिड कैप ये मैटर करता है कि

ओके okay, मुझे नहीं लगता है ये कंपनी अलग अलग है एक बार आप भी देख लीजिए कि वी आई एस फाइनेंस गाड़ियाँ नवीन फिफ्टी वन परसेंट फोर्टी सेवन परसेंट यहाँ पर आ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें बी देखिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स में जाएंगे फिफ्टी वन परसेंट यहां पर देखेंगे कंपनी तो 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 दोनों एक ही है, यहां पर शेयर, अलग शेयर, शेयर, सो तो सो शेयर खरीदना है और यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी करती क्या है तो यहाँ पर कंपनी एक ही है यहाँ पर देख लेते हैं मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड मैन्युफेक्चर ग्रीन एंड ब्लू पिगमेंट प्रोडक्ट्स विच आर यूज टू मैन्युफैक्चर प्रिंटिंग प्लास्टिक पेंट्स टेक्सटाइल लेदर एंड रबर यहाँ पर इन सभी सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है और आपको पता ही है टेक्सटाइल रबर लेदर एज वेल एज यहाँ पर प्लास्टिक इंक से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर स्टॉक्स है वो भागते हुए नजर आए हैं तो उनके जो केमिकल्स बनाते हैं जिनमें उन प्रोडक्ट्स में केमिकल्स यूज होते हैं तो वो प्रोडक्ट वो भी एक कंपनी है वो भी केमिकल्स वाली कंपनी है तो भागेगी भागेगी इस चीज को याद रखना तो यहाँ पर आप बात करें इन टू थाउजेंड नाइन मेघमानी फिन कैम लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ एम ओ एल ओके इसी की सोडा प्लांट विच हैज दी ऑफ मतलब यहाँ पर एक कंपनी थी अभी डीमर्ज होते हुए नजर आए थे जिस वजह से देखे तो यहाँ पर एक फिन कैम ये वाला शेयर तो मल्टी बैगर बन गया तीन सौ परसेंट के रिटर्न दे दिए और ये भी शेयर थोड़ा बहुत भागता हुआ नजर आया जब इससे अलग होता हुआ दिखाई दिया था इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो पेस्टिसाइड्स ऑफ क्रॉप और नॉन क्रॉप एप्लीकेशन में भी कंपनी काम करती हुई नजर आती है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स यहाँ पर इससे रिलेटेड दे रखें तो यहाँ पर देखिए की पॉइंट पिगमेंट पिगमेंट से ट्वेंटी का यहाँ पर रिवेन्यू आता है एज वेल एज एग्री एग्रोकेमिकल से फोर्टी का यहाँ

आएगा यहां पर बात करें कोटिंग से यहां पर प्लास्टिक से बनाने के लिए जो यहाँ पर केमिकल्स यूज होता है वो तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये यह कंपनी काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है एग्रोकेमिकल्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है एक बार यहाँ पर आप नजर बना लीजिए तो आपको पता चलेगा ओके okay, एग्रोकेमिकल्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर वेट वेटनरी पेस्टिसाइड्स मतलब यहाँ पर जानवरों के लिए जो पेस्टिसाइड होती है हाउस होल्ड इंसेक्ट्स एंड पब्लिक हेल्थ के लिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो उनसे रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है पिगमेंट से रिलेटेड हमने यहाँ पर बात कर लिया इसके अलावा कुछ और पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट तो थर्टी फाइव ये प्लस ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है ओके थर्ड बात करें यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट थेलो था, सर यहाँ पर जो आप नाम को प्रनाउंस कर लीजिएगा शायद मैं गलत करूंगा तो यहाँ पर थर्ड उसमें ये इस पर्टिकुलर केमिकल्स में नंबर वन थर्ड में आती है इसके अलावा सिक्स की बात करें बैकवर्ड इंटीग्रेटेड एंड एस्टेटिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है छे इसके अलावा छह सौ पचास सी आई बी एंड एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन फॉर एग्रो बिजनेस के लिए ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है सेवन पॉइंट फाइव बिलियन का इनका कैपेक्स का प्लान है कि दो से तीन साल में ये यहाँ पर सेवन पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर की बात हो रही है रुपीज की बात

कुछ पैरामीटर की money, तो मैं पहले मनी ओरिजिनल वाला निकाल लेते हैं तीन हजार सत्रह करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है सत्रह का पीओ सी और सोलह का है बाईस परसेंट का डेट है और प्लाइजिंग की बात करें जीरो की प्लाइजिंग है ज्यादा प्लाइजिंग भी नहीं है फेस वैल्यू की बात करें एक तो नजर आ रही है कंपनी ओवरऑल यहाँ पर बेहतरीन नजर आ रही है यहाँ पर अभी डीमर

तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेल्स कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है और जून में हाइस्ट टाइप सेल्स हाइस्ट टाइप प्रॉफिट था तो जब हाईस्ट टाइप प्रॉफिट हाइस्ट टाइप सेल्स आती है ना तो एक आध क्वार्टर के लिए शायद नं, नंबर बेकार भी आ गए सो एज्यूम की यहाँ पर नंबर अगर बेकार भी आ जाते है तो थोड़ा वो एडजस्ट करेगा कंसोलिडेट करेगा और इसके बाद दोबारा जब इसके रिजल्ट आने वाले होंगे ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर बीस से पच्चीस परसेंट का गेन यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर मुझे नजर आ रहा है सेल्स की बात करें तो यहाँ पर एक साल में सेल्स देख लीजिए डगर डबल से ज्यादा होती हुई नजर आ रही है

पे काम कर रही है प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.51 परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर्स रखते हैं जो कि यहाँ पर पटेल फैमिलीज यहाँ पर नजर आ रही है इसके अलावा हम बात करते हैं और भी चीजों की तो एफ की बात करें तो 1.

जिनके ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर नंबर अच्छे खासे हैं, अगर वो आपको ऐसे लेवल पर मिलते हैं तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करना है छोड़ना नहीं है सत्ताईस से तीस परसेंट ऑलरेडी गिर चुका है और एक सपोर्ट देखिए इससे पहले भी यहाँ सपोर्ट लिया तो भागा था इससे पहले यहाँ सपोर्ट लिया तो भागा था इससे पहले यहाँ सपोर्ट लिया तो भागा था तो बार बार यहाँ पर ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है फिर भी अगर गिरावट की बात करें तो थोड़ा बहुत और शेयर यहाँ पर गिर सकता है ओके और 10 बीस रुपए और गिर जाता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी 48 का यहाँ पर बात करें आर एस है और मार्केट इतनी गिरी है फिर भी ये शेयर कितना गिरा है 1.69 परसेंट मतलब दो रुपये ही गिरता हुआ नजर आया तो ये भी एक समझने वाली जरूरत है कि स्मॉल कैप कंपनी में तो गिरावट ज्यादा होती है बट स्टिल ये स्मॉल कैप कंपनी यहां पर डटी हुई है खड़ी हुई है और अच्छे से सपोर्ट लेवल पर आके यहां पर डट

जिसका यहाँ पर दाब लगा रहे हैं तो यहाँ पर 60 परसेंट की आज भी देखिए डिलीवरीज उठाई गई है रिजल्ट की बात करें 26 अक्टूबर को यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं तो रिजल्ट के बाद यहाँ पर बाइंग करने की सोचिएगा एक बार अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं बाकी यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत मैं रिस्क ले सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये यह बाइंग किया है शेयर मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ से ऊपर जाता है ठीक है नीचे जाएगा एड uh, रिजल्ट देखने के बाद बाई टिप्स कर सकते हैं तो यहाँ पर बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके के शेयर और जानने के लिए स्टे टूंढ रहिए हमारे चैनल के साथ और बेलाइकन को हिट कर लीजिए बाकी व्हाट्सअप पे नंबर है और भी बहुत सारे बेहतरीन शेयर होते हैं जो हम नहीं बता पाते जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम तो हमें पिंक करिए आपको यहाँ पर नॉलेज दे दी जाएगी उस स्टॉक से रिलेटेड थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस